हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक किचन टिप्स लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग है। तो और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास एक भगोना है हमारा जो कि हार्ड एनर्जाइज्ड है और इसमें ज़्यादातर अंडा अंडा बॉयल करते हैं। तो ये ना पानी जम जम के बिल्कुल सफ़ेद हो गया है और ये तार वाले जूने से भी हमने बहुत साफ़ किया, बिल्कुल नहीं साफ़ हुआ। और तो इसको हम साफ़ करेंगे, साथ में ही हम बर्नर भी साफ़ कर लेंगे चूल्हे का, क्योंकि बर्नर भी काला हो गया है। तो चलिए साफ़ करते हैं। तो यहाँ कुछ नींबू के छिलके हैं, 4 या 5 हैं, तो जिसका कि रस हमने निकाल करके स्टोर कर लिया है, क्योंकि नींबू ज़्यादा थे, ख़राब हो रहे थे, तो हमने स्टोर कर लिया। तो अब छिलका फेंकने से अच्छा है कि कोई चीज़ साफ़ कर ली जाए। तो हम नींबू के छिलके से साफ़ करेंगे सिर्फ, ना उसमें साबुन डालेंगे, कुछ भी नहीं, बिना 1 रुपया खर्च किए, और इतना अच्छा साफ़ होगा अपने आप ही बिना मेहनत के कि मैं क्या बताऊँ, आप बस देखते जाइए। तो टब में ही भगोना डालेंगे, भगोने में नींबू का छिलका डाल देंगे और उसमें पानी भर देंगे हम। और फ्रेंड्स, ये टिप्स हम रात में कर रहे हैं, रात भर डाल करके करीब 11:30 बज रहा है, सारा काम हो गया है चूल्हे वगैरह का, तो अब तो रात में कोई काम होता नहीं है, इसलिए चूल्हे का बर्नर भी इसी पानी में डाल देंगे। और रात भर के बाद अब सुबह हम निकालते हैं, ये देखिए इसका रिज़ल्ट। ये देखिए, आधे से ज़्यादा अपने आप ही साफ़ हो गया है। बस हम थोड़ा सा ब्रश में साबुन लगाएंगे, जिससे बर्तन साफ़ करते हैं विम से, तो बस वही लगा करके ब्रश से ही साफ़ हो जाएगा, कोई मेहनत नहीं, इतना आसानी से साफ़ होता है ये। और भगोना भी अपने आप ही आधा से ज़्यादा साफ़ हो जाएगा, अभी पहली बार हम कर रहे हैं ये। बर्नर का तो एक बार हम कर चुके हैं, लेकिन ये भगोना पहली बार कर रहे हैं, तो देखते हैं कितना साफ़ होता है। तो ये देखिए, दिख रहा है जो सफ़ेद सफ़ेद, तो ये ना बिल्कुल फूल गया है पानी में, और हमने सादा पानी भी रात भर डाल करके छोड़ा था तो नहीं साफ़ हुआ था। लेकिन देखिए नींबू का कमाल देखिए, कि नींबू का रस निकल गया है, छिलके में ज़रा भी रस नहीं है, सिर्फ छिलके से कितना अच्छा साफ़ हुआ। ये देखिए हाथ में सफ़ेद सफ़ेद आ रहा है छूट करके। तो बस सॉफ्ट जूना है, उसमें ज़रा सा साबुन लगा करके इसको साफ़ करेंगे, फ़ौरन साफ़ हो जाएगा, बिना मेहनत के, बिना 1 रुपया खर्च किए, इतनी आसानी से साफ़ हो जा रहा है। तो है ना अमेजिंग टिप्स। अब इसको धो करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा साफ़ हो गया है, चमक गया है, बिल्कुल नए की तरह हो गया है भगोना। और बर्नर को भी थोड़ा सा ब्रश में साबुन लगा करके साफ़ करेंगे, बिल्कुल नए की तरह हो जाएगा। और फ्रेंड्स, नींबू का छिलका इतना अच्छा होता है, मतलब नींबू इतनी अच्छी चीज़ है कि रस तो यूज़ में आता ही आता है, छिलका भी कितना यूज़ में आ जाता है। और छिलके में बिल्कुल भी रस नहीं था, तब भी कितना अच्छा काम किया। तो ये देखिए बर्नर भी साफ़ हो गया है, थोड़ा थोड़ा काला रह गया है, तो इसको फिर से एक बार ब्रश लगा देंगे तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये देखिए भगोना और बर्नर दोनों बिल्कुल नए की तरह हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, हमें अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।